हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना सब्जी का सब्जी, वो भी बहुत ही मज़ेदार। ना इसमें हमने टमाटर का यूज़ किया है, ना कोई सब्जी का यूज़ किया है। सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें का जो बड़ा है ना तो मैंने इसे स्टीम किया है, ना तो मैंने इसे तेल में फ्राई किया है। बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है, तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया 1 कप मूंग का दाल। मूंग का दाल को मैंने 2 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अगर आपको जल्दी है तो आप गर्म पानी में भिगो के रख दीजिएगा, आधे घंटे में भीग जाएगा। अब इस दाल को हमें क्या करना है कि इस तरीके से हमें इसका पेस्ट बना लेना है बिना पानी डाले। तो यहाँ पर मैंने दाल का पेस्ट बना लिया है। इसमें मैं डाल रही कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा इसमें अजवाइन डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक, और इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे कलर के लिए। बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसे फेंटना है। तकरीबन हमें इसे 5 मिनट तक फेंटना है। फेंटने के बाद आप देख सकते हैं दाल का जो कलर है कितना हल्का हो गया है। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कटोरा लिया है, इसमें मैं डाली हूँ पानी, और पानी पे हम इस तरीके से बैटर को डालेंगे और देखेंगे बैटर ये तैरने लग गया है। जब ये तैरने लगेगा ना तो आप समझ जाना कि हमारा बैटर रेडी है। अब इसमें से ना हम थोड़ा सा दाल को निकाल लेते हैं। अब ये दाल हमने क्यों निकाला ये जानने के लिए वीडियो में बने रहे। अब मैंने यहाँ पर लिया है कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल, आप जो ऑयल खाते हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के लगभग कच्चा जीरा। जीरा को डाल के और थोड़ा सा ना हम इसे तड़कने देंगे, और जब ये तड़क जाएगा तब उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। देखिए आप, मैंने इसे बारीक कट किया है और इसको मैंने डाल दिया है। डाल के हमें प्याज को हल्का सा सोटे करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही। उसके बाद हमें इसमें डालना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इसको डाल के हमें काफ़ी अच्छी तरीके से चलाना है। मीडियम फ्लेम पे हमें काफ़ी अच्छी तरीके से इसे भून लेना है। इसका जो महक होता है ना उसको हमें ख़त्म कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक के पेस्ट को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। तो मैंने बहुत ही बेसिक सा मसाला रखा है, इसलिए घर में जो यूज़ होता है वही मसाला है। आप रोज़मर्रा में ये सब्ज़ी को बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में ना मसाले में थोड़ा सा जलने लगा था, तो मैंने इसमें डाल दिया पानी। पानी डालकर हमें मसाले को काफ़ी अच्छी तरीके से भूनना है। मसाला को जो कच्चापन होता है ना उसको हमें ख़त्म कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मसालों को मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से भून लिया है। मैंने दोबारा पानी डालकर मसालों को अच्छे से भूना था। अब इसमें डाल देंगे हमने जो दाल निकाला था ना, वो दाल को हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के ना हम कटोरे को खंगालते हुए डालेंगे, क्योंकि जो कटोरे में ना दाल रह गया था इसलिए मैंने इसमें पानी डालकर थोड़ा सा डाल दिया। अब इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा चला देंगे और इसको भी थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ग्रेवी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि जब हम इसमें बड़ा डालेंगे ना तो डालते समय ना वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो इससे ना ये बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है। तो थोड़ा सा हमें जो है पानी ज़्यादा ऐड करना। ऊपर से मैंने कसूरी मेथी डाल दिया, उसको भी अच्छे से चला दिया। अब इसको हम अच्छी तरीके से बॉयल आने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बॉयल आ गया है। जब तक अच्छी तरीके से बॉयल नहीं आ जाता है तब तक हमें वेट करना है। तब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से बॉयल आ गया। तो मैं पहले इस तरीके से मैं चला देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी तरीके से बॉयल आने लगा है। जब काफ़ी अच्छी तरीके से बॉयल आएगा तब हम क्या करेंगे, हाथों से इस तरीके से, देखिए हाथों से इस तरीके से हम जो है ना बड़ा तोड़ तोड़ के हम इसमें छोटा छोटा हम इसमें डालेंगे। बस आप जैसे भी ऐसे डाल दीजिएगा ना तो अपने आप वो गोल शेप में आ जाएगा, और ये थोड़ी देर के बाद अपने ही आप ये ऊपर ऊपर तैरने लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा बड़ा जो है अपने आप ही ऊपर ये तैरने लगा। ये देखिए धीरे धीरे अपने आप ही सारा बड़ा ऊपर आ जाएगा। और बस इसको ना हमें गैस के हाई फ्लेम पे ही बड़ा को डालना है, ये चीज़ का ध्यान दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल गोल गोल हमारा बड़ा हो गया है तैयार। फिर उसके बाद हम इसे ढककर हमें इसको 2 मिनट ढककर पकाना है मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर ढक के अच्छे से पका लिया। पकाने के बाद सब्जी का रंग देख रहे हैं अच्छा नहीं आया ना, गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देना है, फिर उसको ढक देना है, और जब तक ये ठंडा हो जाता है ना तब इसके रंग देखना। ये देखिए अब सब्जी जो है यहाँ पर ठंडी हो गई है, और जो है ऑयल भी बिल्कुल एकदम सेपरेट हो गया, ऑयल भी अच्छे से छोड़ दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ये मूंग दाल बड़ा की सब्जी है बनकर हो गई है तैयार। तो फ्रेंड्स, इस समय ना सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है और टमाटर भी बहुत महंगा। तो यहाँ पर हमने जो बिना सब्जी बिना टमाटर का हमने ये रेसिपी बनाया, बहुत ही मज़े की रेसिपी, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब के साथ ना बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या हुआ ना कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और कैसी लगी वीडियो, मुँह में पानी आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।